शिक्षणार्थियों, इस प्रयोग के द्वारा वॉशिंग मशीन के फॉल्ट फाइंडिंग का अभ्यास करेंगे। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में कपड़े ऊपर से ढक्कन खोलकर डाले व निकाले जाते हैं, जबकि फ्रंट लोडिंग में सामने से इस जगह से कपड़े डाले और निकाले जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मात्र एक ही टब होता है, जिसमें कपड़े धोना, झकोलना और निचोड़ना, कुछ में सुखाना भी हो जाता है। सुखाने के लिए गर्म हवा का ब्लोअर चलता है। जबकि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं, एक टब में कपड़े धोए व झकोले जाते हैं, जबकि दूसरे टब में निचोड़े जाते हैं। एक टब से दूसरे टब में कपड़े डालने के लिए परिश्रम लगता है। सामान्यतया मशीन में एक समय में एक ही स्टेज पर फॉल्ट आता है, किंतु इस मशीन में दो स्टेज पर फॉल्ट आ गया है। इस नल से जो पानी आता है वो पाइप से होता हुआ यहाँ आता है। यह वाल्व है, इस वाल्व को यह सोलेनॉइड ऑपरेट करता है। सोलेनॉइड जब ऑपरेट हो जाता है तो इस पाइप से पानी होता हुआ मशीन में जाता है। पहले इस जगह यह सोलेनॉइड लगा हुआ था जो ओपन सर्किट हो गया, जिसके कारण मशीन में पानी जाना बंद हो गया था। जिस क्षण पर यह कॉइल ओपन हुआ था उसी क्षण पर इस कॉइल को ऑपरेट होने के लिए जो यहाँ ट्रैक लगा हुआ है यह ट्रैक भी शॉर्ट हो गया। कॉइल को बदल दिया है, ये दो हरे तार की केबल जा रही है, यह एक लिमिट स्विच से जुड़ी हुई है। यह लिमिट स्विच यह बताता है कि मशीन का ढक्कन बंद हो गया अथवा नहीं। इस जगह तीन अलग अलग रंग की केबल से एक सेंसर जुड़ा हुआ है, यह सेंसर इस टब के पानी के लेवल को बताता है। हरे रंग के दो तार लिमिट स्विच के इस जगह आ रहे हैं और पानी के लिए तीन रंग के तार इस जगह आ रहे हैं। इसमें जो कनेक्शन आ और जा रहे हैं वो केबल हार्नेस से आते हैं। यह कनेक्टर मेंस इनपुट के लिए है, यह कनेक्टर टब को चलाने के लिए जो मोटर है उसको जाते हैं। सिंगल फेज की मोटर है जिसमें दो वाइंडिंग है, उन दो वाइंडिंग को एल्युमिनियम पर एक ट्रैक ये लगा हुआ है, दूसरा ट्रैक यह है लगा हुआ, इसको सप्लाई देते हैं। इसी तरीके से यहाँ केसरी रंग का प्लग लगा हुआ है, इससे भी दो आउटपुट जाती है, एक ड्रेन के सोलेनॉइड को जाती है और दूसरी इनलेट के सोलेनॉइड को जाती है। सर्किट डायग्राम को देखते हैं, बाईं तरफ पावर का प्लग इनपुट यहाँ से आती है। अर्थिंग के लिए जो है केबल के ऊपर दो रंग की धारियाँ होंगी, पीला और हरा दो धारियाँ। इसी तरह से न्यूट्रल जो है वो मशीन में कॉमन है, लाइट ब्लू आसमानी रंग है ये। यह टब को घुमाने वाली मोटर है, सिंगल फेज की मोटर जिसमें दो वाइंडिंग होती है, इसको न्यूट्रल दे दिया। यह ड्रेन वाला वाल्व है जिसको न्यूट्रल कॉमन दिया हुआ है, यह वाटर इनलेट का वाल्व है जिसको न्यूट्रल दे दिया है। यह नीले रंग का सॉकेट है जिसमें से ब्राउन रंग जो है लाइन सप्लाई हो रही है। ब्लू का रंग का एक और प्लग है, परंतु फुल प्रूफ बनाने के लिए इसमें तीन पिन है और इस ब्लू वाले प्लग में दो पिन है। ऑरेंज रंग के प्लग से आउटपुट आ रही है, ऑरेंज और रेड रंग की, बैंगनी रंग से भी आउटपुट आ रही है मोटर को चलाने के लिए, ब्लू और येलो रंग की। ये दोनों इनपुट है जो मशीन को बताते हैं वाटर लेवल सेंसर के लिए और ढक्कन बंद हो गया या नहीं हो गया इसके लिए सफ़ेद प्लग है। वाल्व में चूड़ियाँ जहाँ लगी हुई है वो इनलेट है, यह आउटलेट है, यह रबड़ का डायफ्राम है जो इस जगह लगता है।
सोलेनोइड में यह प्लंजर है जो स्प्रिंग लोडेड है। जब सोलेनोइड में विद्युत की आपूर्ति होती है तो यह इस प्लंजर को पीछे खींच लेता है। सोलेनोइड बदलने के बाद में इस मशीन में फॉल्ट यह है कि पावर का बटन ऑन करने के साथ ही मशीन में पानी आना चालू हो जाता है, जबकि वाटर लेवल जो है वो अभी निश्चित ही नहीं किया। जबकि इनलेट से पानी तब आना चाहिए जब मशीन की साइकिल को स्टार्ट करें। इसके अलावा जो पानी का लेवल आपने तय किया है उस लेवल तक जब पानी बढ़ जाता है तब भी यहाँ पानी आना बंद हो जाना चाहिए, किंतु इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो ट्रैक है इनलेट सोलेनोइड वाल्व को सप्लाई मिलती है जिसका ये पिन है। ये ट्रैक जो है वो शॉर्ट है। इसको बदलने के लिए हेक्सा से इसको काट दिया गया है यहां से। हटाया ये इस पे क्योंकि इंसुलेशन लगा हुआ है पानी से बचाव के लिए। ट्रैक को चेक करते हैं। डायोड मोड में ले लिया। आउटपुट और इनपुट के मध्य कंटिन्यूटी देखते हैं। यह ट्रैक जो है शॉर्ट है। यह ट्रैक शॉर्ट है। BTA204X के BTA12 लगाते हैं। BTA बदल दिया है। यह इनलेट का वाल्व है। इनलेट वाल्व के ये दो टर्मिनल है। अभी इन टर्मिनल के कनेक्शन की जगह ये लैंप होल्डर लगाया हुआ है। पावर ऑन करते हैं। अभी जो है इनलेट वाटर इनलेट वाला जो है बल्ब नहीं लगा है क्योंकि ये बल्ब नहीं जला। इसका मतलब अभी पानी नहीं जा रहा। कारण ये है यहाँ जो BTA204 लगना था उसकी जगह BTA12 लगाया है और BTA12 को ड्राइव होने के लिए अधिक पावर चाहिए और पहले जो लगा हुआ था BTA204X उसको ड्राइव होने के लिए माइक्रो कंट्रोलर से कम पावर मिलती है। माइक्रो कंट्रोलर इस जगह पर स्थित है। अतः यह ट्रैक जो है वो वापस से निकालेंगे और इस जगह सही रेटिंग का ट्रैक लगाएंगे। ऑरेंज कलर का यहाँ पर प्लग लगा हुआ है। इसके लिए यहाँ पर दो ट्रैक हैं, दोनों की अलग अलग आउटपुट जाती है। न्यूट्रल जो है कॉमन है। इससे दो सोलेनोइड ऑपरेट होते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का तार जा रहा है यह ऑरेंज कलर का तार जो है वो यहाँ आता है। ये वाटर इनलेट का सोलेनोइड है। लाल रंग का तार जो है वो ड्रेन के सोलेनोइड पे लगा हुआ है। ड्रेन इस जगह होता है। जब हमने ड्रेन वाले ट्रैक को निकाल के इनलेट वाले ट्रैक पे लगा दिया, पावर ऑन है परंतु अभी इसमें इनलेट से अभी पानी नहीं आ रहा। जब स्टार्ट या पॉज के बटन को दबाते हैं अब इसमें पानी आना चालू हो गया।
और जब स्टार्ट या पॉज के बटन को बंद करते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसका माइक्रो कंट्रोलर भी सही है, केवल इस जगह प्रॉपर ट्रैक के लगाने की आवश्यकता है। सही ट्रैक लगा दिया है, पावर ऑन करते हैं, वाटर लेवल को डिसाइड करते हैं, वाटर इनलेट की कॉइल ऑपरेट नहीं हुई है। जब स्टार्ट या पॉज के बटन को ऑपरेट करते हैं, अब इसमें आप पानी आ रहा है आवाज सुन सकते हैं। बंद करते हैं तो बंद भी होता है। ड्रेन करके देखते हैं, ड्रेन करने के लिए यहां आएंगे हम स्पिन पे। स्पिन के लिए फंक्शन से पहला दूसरा तीसरा ये फंक्शन डिसाइड करेंगे स्पिन। केवल स्पिन का फंक्शन करके देखते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ से ड्रेन होना चालू होता है। और जब पूरा ड्रेन हो जाएगा तो उसके पश्चात टब को घुमाने के लिए मोटर भी चलेगी। अब ये मोटर चालू हो गई। इस तरह से अब हमने चेक कर लिया है ड्रेन की आउटपुट भी सही तरीके से काम कर रही है, इनलेट की आउटपुट भी सही तरीके से काम कर रही है और टब को घुमाने की मोटर भी सही तरीके से काम करने। मशीन को टेस्ट कर लिया है, अब इसको इंसुलेशन लगाते हैं ताकि ये नमी में इस पे प्रभाव नहीं पड़े। जिस जगह ट्रैक बदला उस जगह इंसुलेट करेंगे। ट्रैक खराब वाला ये है, सोलेनोइड बदल चुके हैं। इंसुलेट करने के लिए ये ग्लू गन है जिसका ये रॉ मटेरियल है। यहाँ से ये आगे जाएगा, फीड होगा। जब इसके लीवर को दबाएंगे तो ये आगे पुश होगा। अभी ये बिजली से गर्म हो रही है। इसी तरीके से यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको गर्म हवा के द्वारा पिघला करके यहाँ पर लगाएंगे। यह इंसुलेशन स्प्रे करने के लिए है, इसके द्वारा भी एक प्रोटेक्शन की लेयर लगाई जाएगी। इंसुलेशन की परत लगा दी है, फिल कर दिया इस जगह। अब इसके पश्चात यह प्रोटेक्टिंग कवर इस जगह लगा देते हैं।
स्पर्श करने पर देखते हैं यह अब अच्छी तरीके से इंसुलेट हो गया है, मजबूती भी आ गई है। जिस तरह किसी कंप्यूटर में इनपुट व आउटपुट होते हैं, इनपुट कीबोर्ड होता है या माइक होता है, आउटपुट जो है डिस्प्ले स्क्रीन होती है या स्पीकर होते हैं, उसी तरह से इस वॉशिंग मशीन के माइक्रो कंट्रोलर के लिए भी इनपुट व आउटपुट हैं। इसके इनपुट जो है वो आप देखेंगे, यह कीबोर्ड इसके इनपुट हैं, पावर सप्लाई इसकी इनपुट है, ढक्कन बंद हो गया या नहीं हो गया यह बताने के लिए यहाँ पर एक लिमिट स्विच लगा हुआ है, वो इसका इनपुट है। तब में जिस लेवल तक आपको पानी चाहिए, वो लेवल तक पानी आया या नहीं आया, उसके लिए इस जगह पर वाटर लेवल सेंसर लगा हुआ है। इसके अलावा पानी कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने के लिए और कपड़े, यह है इसके इनपुट हो गए। इस मशीन के आउटपुट जो है वो फ्रेश पानी, उसके इनलेट की कॉइल सोलेनोइड के लिए वो इस ऑन या ऑफ करने की आउटपुट होगी। इसी तरीके से पानी बाहर निकालने के लिए यहाँ जो ड्रेन का सोलेनोइड है वो आउटपुट हो गई। टब को घुमाने के लिए जो मोटर है वो भी इसकी आउटपुट है। बचा हुआ समय बताने के लिए यहाँ पर टाइमर है। इसके अलावा ये जो इंडिकेटर दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर भी आउटपुट हैं। यहाँ देखेंगे कि इंडिकेटर, एक तो एलईडी पूरी जली हुई है और एक एलईडी फ्लैश करती है। बाईं साइड वाली जो नंबर लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 7, बल्कि सिल्क सुपर क्लीन नॉर्मल, यह तो जब एलईडी जली हुई रहती है तब प्रदर्शित करते हैं, और फ्लैश करते समय दाईं साइड वाले प्रदर्शित करेंगे 2, 4, 6, 8, टब क्लीन, एयर ड्राई, एंटी रिंकल और क्विक। अभी यह एलईडी फ्लैश कर रही है, इसका मतलब यह क्विक को दर्शा रही है। प्रोग्राम से जब क्विक सिलेक्शन किया हुआ है तो 19 मिनट में कपड़े धुल जाएंगे। कपड़ों में धुलेंगे पहले, फिर जकोड़े जाएंगे और फिर वो निचोड़े जाएंगे, और पानी का लेवल होगा 5 नंबर तक। प्रोग्राम को जब आप बदलते हैं तो ये सुपर क्लीन हो जाएगा, पानी का लेवल बढ़ के 6 हो जाएगा। यहाँ फंक्शन जो है वो कुछ देर कपड़े भीगे रहेंगे, फिर धुलेंगे, उसके बाद जब खुले जाएंगे फिर निचोड़ जाएंगे, 65 मिनट का समय लगेगा। यह स्टार्ट या पॉज का बटन है। पॉज का मतलब है साइकिल को बीच में रोकना। जब स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो अब साइकिल स्टार्ट हो गई, भीगने का काम चालू हो गया, सोक का ये ब्लिंक कर रहा है। जब आप पॉज बटन दबा देते हैं तो आपकी मशीन वापस अभी रोक दी गई है बीच में। प्रोग्राम को आगे बदलते हैं, अब ये एंटी रिंकल है, इसमें सलवटें नहीं पड़ेंगी, 35 मिनट का समय लगेगा और 3 काम होंगे। वाटर लेवल 6, सिल्क में 39 मिनट लगेगी, वही 3 काम होंगे, वाटर लेवल भी 6 है। एयर ड्राई में 60 मिनट का समय लगेगा और केवल सुखाने का काम होगा, निचोड़ने वाला। बल्कि कपड़े ले लेंगे तो सबसे ज्यादा 8 लेवल तक पानी आ गया। कपड़े जब ज्यादा हो जाते हैं तो मशीन में पानी भी अधिक मात्रा में होना चाहिए ताकि कपड़े आसानी से घूम जाएं, और कपड़े जब कम हो तो वाटर लेवल को कम रखा जा सकता है, जिससे वॉशिंग पाउडर और पानी दोनों की बचत हो सके। इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं। टब क्लीन के लिए 18 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा
आप फंक्शन मैन्युअली भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले आप कपड़ों को भिगो के रखेंगे, सिर्फ वॉश करना चाहते हैं, वॉश करना और जो खोलने का काम करना चाहते हैं, जो खोलने और सुखाने का काम है निचोड़ने वाला, केवल निचोड़ने वाला काम। वाटर लेवल भी आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। अभी केवल निचोड़ने वाला सिलेक्शन किया हुआ है, लाइट जल रही है, इसका मतलब अभी मशीन में केवल सिलेक्शन किया है, स्टार्ट नहीं किया। जब स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो यह फ्लैश करने लग जाती है, अर्थात साइकिल शुरू हो गई है। इसमें जो भी पानी है वो ड्रेन हो जाएगा पहले। पहुंच के बटन को दबाएंगे तो आपने साइकिल को बीच में रोक दिया है। इस तरह से मशीन के जो आपको जिस तरह से कपड़े धोने हैं वो आप निश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने वॉशिंग मशीन के फॉल्ट फाइंडिंग को डायग्नोस करने का अभ्यास किया। आपने वीडियो देखी। धन्यवाद।